हम ऊपर से धरती में आते हैं ना, तो पता कौन होते हैं? सब सनातनी होते हैं, सनातनी। अरे कोई इधर उधर से काटा पीटी करके कुछ भी बना दे, हमें कहां जाना है। हम लोग जो होते हैं ना यहाँ से होते हैं, राम वाले यहाँ से, उनमें पता नहीं लगता कौन किसका रिश्तेदार है। तुम डीएनए टेस्ट करा लो सब। अस्सलामु अलैकुम प्रिय दर्शक श्रोता, प्रिय बंधुरा, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে একটি ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি, যেটাতে একজন কট্টরবাদী হিন্দু অন্ধভক্ত বলছে যে প্রত্যেক শিশুই জন্মগতভাবে হিন্দু হয়ে থাকে এবং তাদের পূর্বজন্মরাও হিন্দু বংশধর হয়ে থাকে, আর পৃথিবীতে আসার পর তাদের বাবা মা তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যায়, যার কারণে সে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। তারপর সে কট্টরবাদী হিন্দু অন্ধভক্তটি মুসলমানদের প্রতি ইঙ্গিত করে মুসলমানদের একের অধিক বিয়ে এবং অধিক সন্তান জন্মদান নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, বিভিন্ন ধরনের উল্টোপাল্টা এবং ভুলভাল কথা বলে। বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে সে কট্টরবাদী হিন্দু অন্ধভক্তের ভিডিও ক্লিপটি অবশ্যই দেখাবো। এছাড়াও আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একই ধরনের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব, তাই এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। বন্ধুরা, প্রথমে আমি আপনাদের সাথে সে কট্টরবাদী হিন্দু অন্ধভক্তের ভিডিও ক্লিপটি শেয়ার করতে চাই, আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন। ऊपर से धरती में आते हैं ना, तो पता कौन होते हैं? सब सनातनी होते हैं, सनातनी। अरे कोई इधर उधर से काटा पीटी करके कुछ भी बना दे, हमें कहां जाना है। हम लोग जो होते हैं ना यहाँ से होते हैं, राम वाले यहाँ से। हमारे पूर्वजों का रक्त है, अब उस रक्त को बदलने के लिए ना कुछ लोग उल्टी सीधी चीजें खा लेते हैं। क्या उनमें पता नहीं लगता कौन किसका रिश्तेदार है? एक बात बोलू, तुम डीएनए टेस्ट करा लो सबका। डीएनए मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, हमारे हिंदुओं में ना चाचा ताऊ मामा में ना शक्ल मिलती है बच्चों की। कहते हैं ये देखो, इनमें तो शक्ल ही ना मिले। क्यों नहीं मिलती है? राम जाने कौन आता है कौन चला जाता है, राम जाने। हमारे यहाँ ना घर के अंदर घुसते ही ये तो कुछ लड़कियों के चक्कर में जो लड़कियां लव जिहाद में गलत जा रही है। अरे हमारे हिंदू जैसा तो नहीं मिलना। एक शादी करता है दिल से, प्यार करता है दिल से, और यहाँ एक शादी दूसरी शादी तीसरी शादी, महाराज कितनी करोगे बे? और उसके बाद जब बच्चे कर लो तो बच्चे अल्लाह की दे ले। क्या बच्चे अल्लाह की दे ले, और रोटी जो है वो योगी खिलाएगा। ये जो धरती है ना, ये धरती है शिवाजी राव की, ये धरती है महाराणा प्रताप की, और ये धरती है राम की। क्या जो राम के खिलाफ बोलेगा और जो राम के वंशजों को छेड़ेगा उसका राम का नाम सत्य हो जाएगा। श्री राम। और जो चीज भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में दो। दबने वालों का जमाना नहीं है, अब दबाने वालों का जमाना है। और अब हिंदू फकर से कहता मैं हिंदू हूँ। पहले और भैया सुनो, हम जो हमारे राम का नहीं। बंधुरा, আপনারা সে কট্টরবাদী হিন্দু অন্ধভক্তের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন এবং তার বলা কথাগুলো শুনলেন ও বুঝলেন। এবার আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব, যেটাতে একজন হিন্দু মহিলা তাকে প্রশ্ন করে বলছে যে তিনি তার বক্তব্যে একদিন বলেছিলেন যে প্রত্যেক শিশু জন্মগতভাবে মুসলিম হয়ে থাকে, তবে সে একথা বিশ্বাস করে যে মা বাবার ধর্মই হচ্ছে সেই শিশুর ধর্ম। কিন্তু শিশুটির মা বাবা যদি অন্য ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকে তাহলে সে জন্মগতভাবে মুসলিম কিভাবে হলো? আর বন্ধুরা, ডক্টর জাকির নায়েক সেই হিন্দু মহিলাটির প্রশ্নের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোকে উত্তর দিয়েছেন। বন্ধুরা, আপনারা ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি দেখুন এবং তার বলা কথাগুলো শুনুন। মেনকা সওয়াল হে কে মেনে কাহা মেরি তকরির মে কে হর বাচ্চা জব পয়দা হোতা হ্যায় মুসলিম পয়দা হোতা হ্যায় তো বহন পুছ রহি হে কে বচ্চে কা ধর্ম আপনে ওয়ালদেন কা ধর্ম হোতা হ্যায় वो बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो ही कर रहा है जो उसका खालिक उसका ईश्वर उसका अल्लाह चाहता है। वो सांस ले रहा है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहता है उसका खालिक चाहता है, वो जी रहा है उस तरीके से वो फितरत पे जी रहा है, उसके बाद वो अपने वालदेन के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। इसीलिए अगर कोई बच्चे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके बारे में रिसर्च किया गया था दो ट्राइब पे, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स एंड द कपाकू ट्राइब।
ये दो ट्राइब 1950 में साइंटिस्ट इनके पास गए और जानने की कोशिश किए, ये दो ट्राइब इंसानियत के टच में नहीं थे, कोई भी मॉडर्न इंसान इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इनका कोई भी मॉडर्न ह्यूमन बींग से इन्फ्लुएंस नहीं था। जब रिसर्चर्स गए और तहकीक किए कि इनका जीने का तरीका कैसा है, तो जानने लगे कि वो एक खुदा में मानते, एक ईश्वर में मानते, उसकी इबादत करने के लिए सिजदा करते हैं और शिर्क नहीं करते। वो तहकीक करने के बाद पता चला कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे, नाम से मुसलमान नहीं थे लेकिन जिंदगी के बसर करने का तरीका इस्लामिक था। तो इससे ये हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे आप अलहदा रखते, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ना वालदेन का, ना बड़ों का, ना टीचर का, वो बच्चा मुस्लिम जैसे जिएगा। मुसलमान मतलब अपनी जिंदगी खुदा के अहकाम के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी बसर करना खुदा के मुताबिक। ये साइंटिफिक रिसर्च है, इसीलिए मैं कहता हूं हर इंसान जब पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, उसके बाद उसके वालदेन उसे गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। हो सकता है कि बुतपरस्ती करते, हो सकता है कि आग को पूजने के लिए कहेंगे। इसीलिए कोई गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट कहना गलत है, कन्वर्ट मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना, रिवर्ट मतलब एक इंसान सही रास्ते पे था फिर गलत रास्ते पे जाता है फिर से सही रास्ते पे आता है, उसे कहते हैं रिवर्ट। हिंदी या उर्दू में कहूंगा मैं नव मुस्लिम कहना गलत है, हिंदी में कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम। ये मेरा खुद का, मेरे खुद के अल्फाज है, लौटा हुआ मुसलमान। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहन, क्या इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर मैं रहती हूँ डोंगरी पे, मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा मुस्लिम ही है और मैं ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जरूर। आप मानते हैं कि बुतपरस्ती गलत है? जी नहीं, मैं यही जानती हूँ कि परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह और जो भी कुछ है वो सब एक ही है। जी हाँ, लेकिन आप मानते हैं कि बुतपरस्ती गलत है कि सही है? सर बुत परस्ती का अर्थ मुझे मालूम नहीं, मैं इंसानियत पे ज्यादा भरोसा करती हूँ इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब एक ही है। लेकिन इंसानियत पे भरोसा अगर करते हैं तो हमें हमारे ईश्वर की इबादत करना चाहिए कि गलत चीजों की? क्योंकि क्योंकि आपके वेद में लिखा है, जैसा मैंने फरमाया यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में और श्वेता श्वेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो आपकी हिंदू मजहब की किताबें कहती है कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मजहब की किताबें कहती है बाइबल के बुत परस्ती गलत है, कुरान इस्लाम मजहब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बुत परस्ती में यकीन करते क्या नहीं? सर आप बुत परस्ती जो बोल रहे हैं उसको मेरा मीनिंग नहीं समझ रहा, खाली मुझे यही मालूम है कि सब जो ईश्वर, अल्लाह जो भी कुछ है सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सर, ईश्वर अल्लाह एक है, लेकिन अगर आप ईश्वर को, अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर को आप कुछ गलत साबित करते हैं और उसे ईश्वर कहते, गलत चीज को ईश्वर कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहेगा कि ये टेबल, ये चेयर ईश्वर है, आप मानेंगे? नहीं, ईश्वर नहीं है, लेकिन गलत चीज को ईश्वर कहना गलत है क्या? नहीं, नहीं बिल्कुल। तो ये मैं पूछता हूँ कि जो चीज ईश्वर कहना के लायक नहीं है, जैसे आपके मजहबी किताब में कहा गया है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्ष नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बुत परस्ती गलत है या सही है फिर? नहीं सर, वो गलत ही होगा। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। तो आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी सही। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर एक है? ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। बिल्कुल सही। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के पैगंबर है? सर उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं वो मत प्रदर्शन नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहूंगा कि खवातीन के शोबे से मैं मेरे अहलिया से फरमाऊंगा कि आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में दीजिए, उर्दू आती तो उर्दू में, मराठी तो मराठी, अंग्रेजी में। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह इस किताब के जरिए आप हिदायत पाएंगे। और अगर कुछ भी उसमें मुश्किलात है तो आप जरूर डोंगरी पे रहते, हमारा इदारा भी डोंगरी पे, आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आ सकते और आपके जो भी शक या शुबा उसे दूर कर सकते। बंधुरा আপনারা ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটিও দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এই ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন।
এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন।